यूएस के अंदर ये जो गन कल्चर है और गन के एक्सेस है, आराम से मिल जाना, ये अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन से ही रिलेटेड है, अमेरिका की फाउंडिंग से ही रिलेटेड है। तो एक बहुत बड़ी लॉबी है, तबका है, माइंडसेट है, जो ये समझता है कि गन रखना हमारा प्राइवेट राइट है और उस पर कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। और बहुत बार ऐसे इंसिडेंट्स भी होते हैं कि वो शो ऑफ करने के लिए अपने बैग में खेल रहे होते हैं तो दूसरे बच्चे को एक्सीडेंटली लग जाती है। तो ये इजी एक्सेसिबिलिटी ऑफ गन्स का ही प्रॉब्लम है, जैसे कि रविंद्र सचदेव ने भी कहा कि ये कल्चर वहाँ का, मोर देन हाफ द अमेरिकन्स बिलीव स्ट्रॉन्गली कि गन्स होने से कुछ वायलेंस बढ़ती नहीं है। लास्ट ईयर आपको याद होगा कि घटना हुई थी जिसमें ओबामा इस गन के इंसिडेंट पे बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए भी देखे, लेकिन वहाँ कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है कि ये एक बड़ा डीप रूटेड सिस्टमेटिक अटेम्प्ट है जो आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स हैं, बिकॉज उनका सारा सारा बिजनेस इस पे टिका हुआ है। पेरेंट्स का जो कम टाइम बच्चों को देना, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, ड्रॉप ऑफ अ हैट, बच्चे की डिमांड पूरी करनी, ये सारे पैरामीटर्स, ये सारे फैक्टर्स बच्चे की ग्रोथ पे इफेक्ट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उसके एग्रेशन, जैसे रोड रैश देखें या स्कूल के अंदर देखें, वो कहीं ना कहीं तो झलकेगा ना बच्चे का। मुझे लगता है इशू ये है कि हम जो बच्चों में जो, क्योंकि ये स्कूल का इशू है कि स्कूल में बच्चा जो है जाके फायर कर देता है, कई बच्चों को इंजर्ड कर देता है, डेथ्स हो जाती है, किलिंग हो जाती है, तो मुझे लगता है कि उस बच्चे का ग्रोथ कैसे हुआ है। हिंदुस्तान में भी इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो ये ज़रूरी है कि हम समय रहते जागरूक हो जाएं और उस तरह की रोकथाम शुरू करें ताकि बहुत सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस और डैमेजेस ना हमें भुगतनी पड़े।